अयोध्या की अगर कुछ पहचान है तो पहचान है सरयू। सरयू नदी की अगर बात की जाए तो ये वो सरयू नदी है जिसका अगर एक बार मिजाज बिगड़ा तो इसने पूरे अयोध्या को अपने आगोश में ले लिया था। फिर राजा विक्रमादित्य ने फिर से अयोध्या बसाई थी। उस सरयू के घाट पर आज दिवाली मनाई जा रही है। उस सरयू पर आज योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। उस सरयू पर पहुंची हमारी सहयोगी श्वेता और बता रही है वहां का हाल। अयोध्या में राम की पैड़ी पर मौजूद हैं हम। आप जो ये पूरा हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ पर दरअसल सरयू का पावन जल बह रहा है ताकि जो अलग अलग उत्सव होते हैं, अलग अलग त्यौहार होते हैं, उस दिन लोग यहाँ पर आते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन अगर आज की तस्वीर देखकर आप सोच रहे हैं कि राम की पैड़ी हमेशा ऐसी रहती है तो ऐसा नहीं है। हाँ, इसका निर्माण ज़रूर किया गया था ताकि लोगों को सहूलियत हो, लेकिन उसके बाद से बहुत लंबा दौर एक बीता जब ये उपेक्षित रहा। यहाँ पर साफ सफाई तक नहीं की गई थी, लेकिन अभी बाकायदा पूरी स्वच्छता का ख्याल रखा गया है। और दूसरे तट पर आप देख रहे हैं जहां पर दिए लेकर जो वॉलंटियर हैं वो दिए लगा रहे हैं। दिए दरअसल लग चुके हैं, आपको बता दें 1,71,000 दिए हैं ये, और अब उसमें तेल डालने का काम चल रहा है जिसके बाद अंधेरा होने पर इन सब को प्रज्वलित किया जाएगा। और इन्हें प्रज्वलित करते ही यहाँ पर एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित हो जाएगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की स्थापना यहाँ पर होगी, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में इतनी संख्या में एक साथ इतने दीप कभी प्रज्वलित नहीं किए गए थे। अयोध्या नगरी है, राम की नगरी है, लिहाजा यहाँ पर दीपावली का बहुत खास महत्व रहता है। लेकिन ऐसी तैयारियां, ऐसा त्यौहार अभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो सबको इंतजार है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे तब दरअसल कैसा भव्य नजारा होगा, क्योंकि बिल्कुल त्रेता युग की याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। जब पुष्पक विमान से राम लक्ष्मण सीता पहुंचे थे यहां पर, तो योगी आदित्यनाथ भी खड़ाऊ लेकर भरत स्वरूप आगे बढ़ेंगे श्री राम के स्वागत के लिए। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर उनका कार्यक्रम है जिसमें ये राम की पैड़ी भी शामिल है, उसके बाद राम कथा पार्क शामिल है। कुल मिलाकर अयोध्या वासियों को इंतजार है कि त्रेता युग के राम को याद करने की जो कोशिश की जा रही है, जो ये प्रयास है, क्या वो वाकई अयोध्या को उसके विवादों से अलग कर देगा? क्या वाकई अयोध्या उन सभी पवित्र शहरों में से एक है, सप्तपुरी में से एक है जहां हिंदुओं की आस्था जुड़ती है, तो क्या सचमुच वहां पर जो तीर्थाटन है वो उनके लिए और सहज हो जाएगा? कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज। अगर सरयू की बात की जाए तो एक बड़ी अजीब बात यह है कि दिल्ली में और अयोध्या से दूर जो लोग हैं वो कहते हैं कि राम मंदिर तो वहीं बनेगा लेकिन सरयू के उस पार मस्जिद बनेगी, लेकिन अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में कोई ऐसा नहीं कहता है। अयोध्या में कहते हैं दोनों लोग साथ बनेंगे, हाँ बस प्रांगण से थोड़ा सा दूर हो जाए। अयोध्या में कोई ऐसी बात नहीं कहता है। हमारे साथ नवल किशोर जी हैं। सरयू का महत्व और जिस सरयू पे आज ये सब हो रहा है, खासकर भगवान श्री राम के लिहाज से, बताएं जरा। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू भय पावन, जा मंजन ते बिने प्रयासा, मम समीपनर पावे वासा। भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने सखाओं को, अपने मित्रों को वनवास के वापस अयोध्या आने पर बताया था कि भगवान मेरी ये जन्मभूमि है। भगवान ने कहा है जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, ये मेरी अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, जन्म स्थान है। इसके उत्तर दिश सरयू भय पावन, उत्तर दिशा में सरयू का पावन प्रभावित हो रहा है। इसके मंजन करने से, इसके अवगाहन करने से जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है, सब पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी पतित पावनी माँ सरयू का पावन तट है जहाँ पर भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ और अयोध्या जहाँ पर भगवान श्री राम प्रकट हुए, उसी पावन भूमि में आज उस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ज्ञान का, उत्सव का, प्रसन्नता का दीप जलाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए सबके लिए बहुत बधाई और प्रसन्नता का ये काम है। स्वामी सर्वानंद जी, जो उत्सव है, मुझे एक बात बताइए, क्या आज आपको एक 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 मन में बार बार सवाल आ रहा है? देखिए, राम का मंदिर को लेकर न सिर्फ आस्था भी है लेकिन उसको लेकर लोगों के मन में द्वेष भी बहुत है, विध्वंस भी बहुत हुआ उस चीज को लेकर, जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ। ये जो आज एक प्रयास हो रहा है, क्या ये एक अच्छा प्रयास नहीं है कि अयोध्या का नाम थोड़ा सा अलग तरीके से और जोड़ा जाए, लोग इसमें और इसका रुझान रखें, लोगों में वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिनको हमने दिखाया उनका उत्साह देखते बनता है, क्या ये एक अच्छा प्रयास नहीं? बहुत अच्छा प्रयास है निशांत जी। ये प्रयास
पूरे देश क्या पूरे विश्व में जो एक तरह का ये वातावरण आया था, एक संशय का, एक डाउट का, तो क्या अयोध्या उपेक्षित है, राम मंदिर जब बनेगा, कब बनेगा, जो होगा। लेकिन अयोध्या में शुरुआत तो हो गई, एक सारे अयोध्या को रंग रोगन किया गया, घाटों को साफ किया गया, सरयू को, जो आज जल का प्रदूषण हो रहा है, जो सरयू वहाँ पर लोगों को पावनता दे रही थी, वो आज रुदन कर रही थी, उसके जगह सब लोग वहाँ, केवल हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस उत्साह से पहुँच रहे हैं। आपने जो बात बोली सर, डॉक्टर रावत, आधे से ज़्यादा लोग अयोध्या के ऊपर ओपिनियन रखते हैं जी, पूरा हिंदुस्तान बोलता है उस पर, अयोध्या कोई जाता नहीं है, किसी को पता नहीं है अयोध्या कैसे जाया जाए, वो बोलने लग जाते हैं। मैंने कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, अयोध्या के अपने लोग, वहां पर जो संस्कृति का मिलाप है वो अद्भुत है, वो खुद नहीं बोलते सरयू के उस पार मस्जिद बने, यहाँ के लोग बोलना शुरू कर देते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पर मैं गया था और वहां की स्थिति हमने देखी थी, 92 की स्थिति भी देखी थी। जो हिंदू है, जो आहत है, जिनको इतिहास पता है, वो चाहते हैं कि वहां मस्जिद नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मस्जिद और मंदिर एक साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि मस्जिद जहां बनती है वहां पर घंटा घड़ियाल और जहां पर ये आरतियां होती हैं उनके वहां लिखा हुआ है कि भाई मस्जिद ऐसी जगह पे बनाओ जहां शांत है, तो वहां के जो लोग हो सकते हैं किसी दबाव में बोल सकते हैं। काशी में तो साथ है, काशी में साथ है, काशी में साथ है, वो भी गलत है, और मथुरा में वो भी गलत है। इतिहास 125 करोड़ लोगों को नहीं पता, मेरी बात सुन लीजिए अनुसार राजा साहब, लोगों में ये कहते हैं इस्लाम के जानकार हम हैं, हमसे बात करो ना, इस्लाम की जानकार मैं बात कर रहा हूं, घंटा पहले कहां होते कहां नहीं होते। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, आप अयोध्या कितने बार गए हैं? अरे मेरी बात का जवाब दो, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि मंदिर मस्जिद होनी चाहिए, घंटा मंदिर के बगल में मस्जिद। जवाब तो मुझसे बात करो ना, आप बात कर रहे हो, मेरी बात का जवाब सर, जवाब मिल रहा है, सुन लीजिए। नहीं चाह रहे सर, हम मतलब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें तो सिविलाइज्ड होना चाहिए कम से कम, जनता हमें देख रही है क्या हमसे। अरे बता दो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। इस्लाम ने कहा है पांच जगह पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, बाथरूम में, कब्रिस्तान में, मकबरे में, और कूड़ेदान या गंदी जगह पर, और शाहरा पर, यानी जहाँ से लोगों आप गुजरने की जगह हो, जहाँ आपके नमाज पढ़ने से सड़क पे पढ़ते हो मौलाना जी, कहाँ पढ़ रहे हैं, मना है, सड़कों पे क्यों पढ़ते हो, हर फ्राइडे के दिन सड़कों को घेर के सड़कों पे नमाज क्यों पढ़ते हो, इस्लाम में जायज नहीं है तो क्यों सड़कों को घेर के नमाज पढ़ते हो, मुझे बता दीजिए, हर शुक्रवार के दिन होता है, बताइए क्यों पढ़ते हो। मैं आपको बता, मैं रावत जी, मैं देता हूँ आपकी बात का जवाब, मैं जवाब देता हूँ आपको, मौलाना रुक जाइए, आप स्पीकर पे आ जाइए, क्यों करते हो, सुनिए, लाउड स्पीकर पर पे जिस दिन आप माननीय कोर्ट कह देगा कि दिन में भी लाउड, फिर भटक रहे हो आप अंसार जी, बात का जवाब दो सीधा सर, सवाल क्या है आपका, क्यों है सर, हम आपको बता दें, नहीं सुनूं क्या, देखो यार आप धैर्य रखें थोड़ा, मुद्दे पे आओ, थोड़ा सा सबर के साथ, तमीज से यार, बात आपने अयोध्या की किया, अयोध्या का इसका मतलब ये तमीज है, अब मैं नहीं कह सकता, नहीं नहीं कह सकता, नहीं मैं नहीं कह सकता, अरे सर मैं नहीं कह सकता, सर मैं नहीं कह सकता, मैं ये कह रहा हूँ अयोध्या में, आप 10 बार बोल चुके हैं सर, बोलने का मौका दे नहीं रहे, आप कोई कैसे बोलेगा, जरा बोलने दीजिए। आदमी अयोध्या में जिस तरह से निशान ने बताया है कि वहां इस तरह का कोई भी बात नहीं है, आप ये कह रहे तारीख नहीं जानते, जो लोग अयोध्या में पैदा हुए वो तारीख नहीं जानते, आप दिल्ली में पैदा हुए अयोध्या की तारीख आप बताएंगे, आप अयोध्या की तारीख बताएंगे, आपने मेरे से ये पूछा अयोध्या, हमने नहीं पूछा, हमने नहीं पूछा, हम सवाल उससे करते जो जानकार हो, हम जानकार से सवाल करते हैं भाई साहब, जानकार से सवाल करते हैं। अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ तकरीबन आप मान लें 2 घंटे के अंदर फैजाबाद में लैंड करेंगे और वहां से बाय रोड जाएंगे अयोध्या, 7 किलोमीटर का सफर है, 10 मिनट मुश्किल से, और फिर वो भव्य शुरुआत होगी। आज तक आपको ये खास कवरेज दिखा रहा है और इसका एक एक पहलू दिखा रहा है और ये बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन यहां पर होने वाला है, एक एक चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप सब लोग हमारे दर्शकों को एक बार दीपावली की शुभकामनाएं दे दें, समस्त विश्व के लोगों को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं, सरकार को मंदिर का निर्माण करना चाहिए, मुझे लग रहा हमारा ज्यादा महत्व होगा और हमें नहीं देना चाहिए, यहाँ पर दीपावली की शुभकामनाओं का ही बहस हो रही है, बट एक ब्रेक का कहीं मत जाइए, देखते रहिए।